बाल चौपाल सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं तुम्हें किसी नामी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डागामा, चार्ल्स डार्विन, फर्डिनेंड मैगलन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं तुम्हें एक बहादुर घुमक्कड़ की कहानी बताऊंगा जिसने सर पर कफन बांधकर जान हथेली पर लेकर अफ्रीका के घने जंगलों में घुमक्कड़ी की थी। इस घुमक्कड़ का नाम है डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन। डेविड लिविंगस्टोन का जन्म 1813 में 1813 में स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के करीब हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था, इतना गरीब कि जब लिविंगस्टोन सिर्फ 10 बरस के थे उन्हें एक मिल में मजदूरी का काम करना पड़ा। लेकिन लिविंगस्टोन एक बहादुर बच्चे थे और मजदूरी के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। आगे चलकर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की और वे डॉक्टर बन गए, डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन। इसके बाद लिविंगस्टोन क्रिश्चियन मिशनरी बने। मिशनरीज वैसे लोगों को कहते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। डेविड लिविंगस्टोन ने चीन जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हीं दिनों चीन में अफीम युद्ध शुरू हो गया, ओपियम वार, और डेविड लिविंगस्टोन चीन नहीं जा सके। इसके बाद उन्होंने अफ्रीका जाने का मन बना लिया। 19वीं सदी में अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते थे, मतलब डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के बारे में बाहरी दुनिया को नहीं के बराबर जानकारियां थी। अफ्रीका घने जंगलों से ढका महाद्वीप था जहां खूंखार जानवर रहते थे, किस्म किस्म की जानलेवा बीमारियां फैलती थी और आदमखोर कबीले भी थे। ऐसे कबीले जो बाहरी लोगों को पकड़कर मार डालते थे और फिर उन्हें खा भी जाते थे। ऐसे नरभक्षियों को इंग्लिश में कैनिबाल्स कहते हैं। अफ्रीका जाने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी, लेकिन डेविड लिविंगस्टोन बहादुर इंसान थे और वे घुमक्कड़ी के लिए अफ्रीका पहुंच गए। सन 1855 में 1855 में डेविड लिविंगस्टोन ने अपनी सबसे बड़ी खोज की। ये खोज थी विक्टोरिया फॉल्स की। जब डेविड लिविंगस्टोन जाम्बेजी नदी की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जलप्रपात देखा जिसे इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं। जाम्बेजी नदी एक जगह जाकर सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती थी और इस जलप्रपात का निर्माण होता था। डेविड लिविंगस्टोन ने ब्रिटेन की महारानी के नाम पर इसका नाम विक्टोरिया फॉल्स रखा। विक्टोरिया फॉल्स विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा के जलप्रपात से दुगुना बड़ा है। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन दो अफ्रीकी देशों की सीमा पर है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी आते हैं। आज भी विक्टोरिया फॉल्स के निकट डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन की मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद भी लिविंगस्टोन की घुमक्कड़ी जारी रही। एक बार उन पर घने जंगलों में एक सिंह ने हमला कर दिया। लायन के इस हमले में लिविंगस्टोन बुरी तरह घायल हो गए और उनके बदन पर इस लायन के दांतों के 11 निशान पड़ गए। लेकिन लिविंगस्टोन ने हिम्मत नहीं हारी और उनकी घुमक्कड़ी जारी रही। इस बीच एक बार वे इंग्लैंड भी लौटे। इंग्लैंड में उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ और रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। सन 1871 में 1871 में डेविड लिविंगस्टोन अचानक अफ्रीका के जंगलों में लापता हो गए। डेविड लिविंगस्टोन के गुम होने की खबर से पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इतना बड़ा घुमक्कड़ अफ्रीका के जंगलों में अचानक लापता हो गया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड ने अपने एक रिपोर्टर को लिविंगस्टोन का पता लगाने अफ्रीका भेजा। इस रिपोर्टर का नाम था हेनरी मॉर्टन स्टैनली। स्टैनली अफ्रीका के जंगलों में गए और एक दिन उन्होंने टंगानिका झील के पास देखा कि कुछ अफ्रीकी लोगों के साथ एक गोरा चिट्टा अंग्रेज घूम रहा है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है।
स्टैनली तुरंत समझ गए कि ये और कोई नहीं डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन है। उन्होंने कहा, डॉक्टर लिविंगस्टोन आई प्रिज्यूम, मतलब मुझे लगता है कि आप डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन हैं। ये वाक्य घुमक्कड़ी के इतिहास में अमर हो गया है। जब दुनिया वालों को खबर लगी कि डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन जिंदा हैं, तो पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन अफ्रीका में मलेरिया से लोगों को मरते हुए देखते थे। डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने भी मलेरिया पर काम किया और पता लगाया कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। लिविंगस्टोन ने यह भी पता किया कि कुनैन की गोलियां मलेरिया के इलाज में कारगर होती हैं। सन 1873 में 1873 में डेविड लिविंगस्टोन खुद मलेरिया के शिकार हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र 60 बरस थी। डेविड लिविंगस्टोन अपने अफ्रीकी साथियों से कहते थे कि मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल हमेशा अफ्रीका में रहेगा। इसलिए उनके अफ्रीकी साथियों ने उनका कलेजा निकालकर एक पेड़ के नीचे दफन कर दिया। फिर उनके अफ्रीकी साथी उस पेड़ के चारों ओर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय बाद डेविड लिविंगस्टोन की लाश को ब्रिटेन ले जाया गया और लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में उन्हें दफनाया गया। यह एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां इंग्लैंड की बड़ी बड़ी हस्तियों को दफनाया जाता है। तो ये बहादुर बच्चा जो एक समय गरीबी की वजह से मजदूरी करता था, इंग्लैंड की बड़ी बड़ी हस्तियों में गिना जाने लगा। तुम्हें भी जिंदगी में बहादुर बनना चाहिए। डेविड लिविंगस्टोन सिर्फ एक बड़े घुमक्कड़ ही नहीं, एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने गुलामी की प्रथा के खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई और उनका एक बेटा अमेरिकी गृह युद्ध में अमेरिकन सिविल वार में उत्तरी राज्यों की ओर से लड़ता हुआ शहीद भी हुआ। तो ये थी डेविड लिविंगस्टोन की कहानी। तुम्हें भी जंगल घूमने चाहिए। जंगल में हमेशा खूंखार जानवर ही नहीं मिलते, प्यारे प्यारे खरगोश भी दिखते हैं, लोमड़ी के बच्चे भी मिलते हैं। तो आज के लिए अमिताभ अंकल को गुड बाय बोल दो। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियां।